हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ सेवन में। फ्रेंड्स, घमौरियाँ घमौरियाँ एक आम बात है और गर्मियों के सीज़न में ये छोटे बच्चे को होना आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा। और यही घमौरियाँ जब अपना विकसित बहुत बड़ा वाला रूप ले लेती हैं तो फिर बहुत बड़े बड़े दाने और बाद में ये फोड़ा का रूप ले लेती हैं, जिससे हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घमौरियों से हम कैसे निदान पा सकते हैं या गर्मी में हमें क्या क्या टिप्स अपनाना चाहिए जिससे बच्चे को घमौरी ना हो, या फिर हमें अगर घमौरी हो रही तो घरेलू उपचार क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गर्मी के सीज़न में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से घमौरियाँ हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो उसे आप बार बार ब्रेस्ट फीड कराइए, लेकिन अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो अपने बच्चे को बार बार आप पानी पिलाइए 1 से 1.5 घंटे में। उसके साथ साथ आपको कोई भी लिक्विड डाइट, जैसे कि बच्चे को जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, आप दीजिए, दही दीजिए, छाछ दीजिए। साथ में जो भी मौसमी फल आ रहे हैं जो पानी से भरपूर हों उन्हें आप बच्चे को दीजिए। जो भी मौसमी सब्जियां हैं पानी से भरपूर, आप उन्हें बच्चे को दीजिए। ऐसे में आप बच्चे को सत्तू दे सकते हैं, सत्तू का आप जूस दे सकते हैं या सत्तू का आप प्यूरी बना के दे सकते हैं, जिससे बच्चे के अंदर पानी की कमी ना होने पाए और आपको हर 1.5 से 2 घंटे पर बच्चे को पानी वाली कोई भी चीज़ देते रहना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि गर्मी के सीज़न में जब भी हम बच्चे को कपड़ा जो पहना रहे हैं, हम ये ध्यान दें कि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, ना वो सिंथेटिक हो, क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उससे बच्चे को हीट रेसेस होने की भी प्रॉब्लम रहती है। और जब टाइट कपड़ा रहेगा तो फिर वो पसीना नहीं सोखेगा और ना ही हवा अंदर से बाहर जा पाएगा। तो फ्रेंड्स, गर्मी के सीज़न में आप कॉटन के कपड़े और ढीले ढाले कपड़े प्रेफर करें और हल्के कलर के कपड़े, क्योंकि वो कपड़े बच्चे के लिए बेस्ट होंगे, हवा अंदर से बाहर जाएगा और बच्चे को हीट रेसेस नहीं होगा क्योंकि बॉडी में कपड़ा चिपका नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप बच्चे के लिए ढीले ढाले कपड़े ही प्रेफर करें। नेक्स्ट है कि गर्मी के सीज़न में हमें अपने बॉडी को गीला नहीं रखना है, तो वो तो हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा है। तो जब भी आपके बच्चे की बॉडी गीली हो रही है तो आप उसे तुरंत पोंछ दें, बच्चा नहा के आ रहा है उसके बाद आप उसे तुरंत साफ कर दें, बच्चे ने टॉयलेट कर दिया तो आप साफ कर दें, बच्चा अगर डायपर पहन रहा है तो आप कोशिश करें कि 1-1.5 घंटे के अंदर आप बच्चे का डायपर बदल दें, क्योंकि अगर वहाँ बहुत ज़्यादा गीला होगा तो बच्चे के डायपर एरिया पर फिर ही रैशेस हो जाएंगे और जो आगे चल के घमौरी या लाल लाल दाने हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इससे भी अपने बच्चे को बचाइए और बच्चे की बॉडी जो है उसको गीला ना रखिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि गर्मी के सीज़न में मतलब घमौरियों से बचने के लिए बच्चे को दिन में 2 बार ठंडे पानी से नहलाइए। आप ये ध्यान दें कि वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ठंडा पानी होता है, बच्चे को जितना भी पसीना हुआ रहता है अगर आप ठंडे पानी से बच्चे को नहलाएंगे तो बच्चा फ्रेश फील करेगा और बच्चे की जो बॉडी है उसके जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ से पसीने निकल के आते हैं वो सारे खुल जाएंगे और पसीना इजली बाहर आ जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान दें, जब भी बच्चे को पसीना हो रहा है तो उसको आप तुरंत पोंछ दें, ताकि फिर वहाँ पर जब भी पसीना रुका रहेगा तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि घमौरियों से बचने के लिए स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नन्हे मुन्ने जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे बहुत छोटे हैं उनकी मालिश हो रही है या वो एक दूसरे की गोद में जा रहे हैं, या हमारे जो बच्चे थोड़े बड़े हैं वो एक्टिविटी करते हैं, बाहर खेलते हैं या चल रहे हैं या वॉकर में घूम रहे हैं, मतलब बच्चे हमारे एक जगह बैठने वालों में से नहीं है, बड़े नहीं हैं कि वो समझदार हैं, यहाँ समझते हैं कि यहाँ गंदगी यहाँ नहीं जाना है, वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है, हमारे बच्चे के बॉडी पे धूल मिट्टी पसीना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी और इसे अगर ना साफ़ किया जाए तो फिर यही हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे घमौरियाँ हो जाती है और घमौरियों से फिर बड़े बड़े दाने, जो बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, गर्मी के सीज़न में घमौरियों से बचने के लिए आप अपने बच्चे की स्किन की केयर, आप अपने बच्चे को हर 1.5 से 2 घंटे पे अच्छे से उसका मुंह धुलिए, हाथ धुलिए, पैर धुलिए, बाकी जो पेट और पीठ का एरिया है उसे ठंडे पानी से कपड़ा निचोड़ के पोंछ दीजिए, दिन भर में 2 बार नहलाइए और बच्चे को ऐसी जगह बिल्कुल ना भेजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो या गंदगी हो। तो फ्रेंड्स, स्किन की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कुछ घरेलू उपचार की, जिससे अगर आपके बच्चे को मान लीजिए घमौरियाँ हो गई तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घमौरियों वाला जो एरिया होता है वहाँ बहुत जलन होता है, क्योंकि वो बच्चे तो सही नहीं पाते, हम बड़े नहीं सह पाते, फिर तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं।
तो ऐसे एरिया पे आप चंदन का लेप लगा सकते हैं। चंदन बहुत ही अच्छा होता है। अगर बच्चे को घमौरी हुई है तो आप उस जगह पे चंदन का लेप लगाइए और पार्टिकुलर उस एरिया पे लगा दीजिए। आप 2 से 3 बार लगाइए, देखिए वहाँ का जो घमौरी वाला जो एरिया वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि बर्फ़, आप मतलब फ्रिज में, आप सबके घर में गर्मी में फ्रिज में बर्फ़ हो ही जाता है, तो आप उस बर्फ़ को, जो आइस हो उसको आप घमौरी वाले एरिया पे लगाइए, ख़ास तौर से जो बच्चे के गर्दन उर्दन पे जब घमौरिया हो जाती है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्दन उर्दन पे देखने को मिलती है, ख़ास तौर से ऐसे पार्ट पे जो पार्ट बार बार चिपका रह रहा है, जैसे बच्चे का गर्दन चिपका रह रहा है, बच्चे का अंडर आर्म चिपका रह रहा है, बच्चे का ये कोहनी के पास चिपका रह रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ बच्चे को लिलार पर बहुत ज़्यादा, मतलब फेस में बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पसीना उनका बार बार नहीं पोंछा जाता, तो ऐसे पे अगर आप आइस पैक लगाएंगे तो भी वो बच्चे के लिए बहुत बेहतर होगा और घमौरियाँ एकदम गायब हो जाएंगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि आप घमौरियों के लिए नीम का पत्ता लीजिए, उसे गर्म पानी में कम से कम 20 से 30 मिनट भिगा दीजिए, फिर या तो आप उस जो पानी है उसको बहुत अच्छे से लेप बना के बच्चे के शरीर पे लगाइए, सॉरी जो पत्ता है उसका लेप बना के लगाइए, या फिर जो पानी है वो बच्चे के पर्टिकुलर उस एरिया पे जहाँ पे घमौरी हुई वहाँ पे अप्लाई करिए, देखिए आपके बच्चे का घमौरी छूमंतर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि एरोवेरा जेल, एरोवेरा जेल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए, ख़ास तौर से वो बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो नेचुरल होता है। तो अगर बच्चे के किसी भी पार्ट्स पे कहीं भी घमौरियाँ हुई हैं तो आपको क्या करना है कि एलोवेरा जेल लेना है और उस जेल को, मतलब उसको बिल्कुल निकाल के उसका जेल बना लेना, और पार्टिकुलर गुलाब जल उसमें थोड़ा सा मिला के उस एरिया पे लगाइए जहाँ बच्चे की घमौरी हुई, 2 से 3 बार लगाइए, और जब एक बार आप लगा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट रखिए, देखिए बच्चे का घमौरी छुअंतर हो जाना है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।